प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रविवार 28 मई को नए संसद की बिल्डिंग का नौक्शन करेंगे। इस मौके पर 75 रुपये का सिक्का और एक स्टंप लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को सिक्के की ढलाई को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने बताया कि सिक्के को भारत सरकार की कोलकाता टकसाल में ढाला जा रहा है। हालांकि संसद की नई बिल्डिंग की इनॉग्रेशन प्रोसेस को लेकर अभी ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन दो फेज में होने की संभावना है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम से पहले की रस्में सुबह शुरू होंगी और संसद में गांधी प्रतिमा के पास एक पंडाल में आयोजित होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पूजा और अन्य अनुष्ठान के बाद सुबह का फेज करीब 9:30 बजे समाप्त होगा, जिसके बाद दूसरा फेज दोपहर में लोकसभा कक्ष में राष्ट्रगान के गायन के साथ शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान 75 रुपये का सिक्का और एक स्टैंप भी जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च करेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह सिक्का गोल होगा, जिसका डायमीटर 44 मिलीमीटर रखा गया है। इसके किनारों पर 200 सेरेशन यानी दांतें होंगे। इस सिक्के का 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकले और 5% जिंक के मिक्सर से बनाया जा रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।